कहते हैं धर्म से बड़ा कुछ नहीं, और फिर अगर है भी तो वो है कर्ण। महाभारत युद्ध से पहले एक बार श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पास गए और उससे बोला, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे 5 हिस्से की जमीन हमको दे दो। तो शकुनी मामा बोले, किस चीज की बात कर रहे हैं आप, छलिए हैं बहुत बड़े। भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। उसके बाद धृतराष्ट्र ने सुयोधन, जो अपने कर्मों से दुर्योधन बन गया, उसकी कुंडली को किसी महापंडित को दिखाया, और महापंडित ने देखने के बाद कहा, महाराज आपके बेटे की कुंडली में तो राजयोग है, राज करेगा, कराइए युद्ध, जीत निश्चित है आपकी। और वही महाभारत का युद्ध हुआ। जब कौरव हारने लगे तो धृतराष्ट्र ने फिर से उस पंडित को बुलवाया और कहा, तुम तो कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे, ये क्या हो रहा है? तो पंडित बोला, महाराज कुंडली में तो वही था, लेकिन वहां पर कोई ऐसा है जो नक्षत्र बदल देने की क्षमता रखता है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है कि वो कौन था। कहते हैं मन में भगवान का सिमरन होता है, उनकी प्रतिमा बनती है। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, आंखें बंद कीजिए और अपने प्रभु की प्रतिमा बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे भगवान का रूप आपकी आंखों में अलौकिक होता है। कहते हैं भगवान का एक भक्त था जिसका नाम था कृष्णदास। वो भगवान के नंद भवन में रोज जाकर भगवान को माला चढ़ाता, और उसने ये सुना था कि भीष्म पितामह ने ऐसा कहा है महाभारत के युद्ध में कि अगर कोई काम को हम निश्चय ही 12 साल तक करें तो वो काम सार्थक होता है। उसकी भी इच्छा थी कि भगवान 12 साल बाद मेरी कुटिया में आए और मैं भगवान को माला चढ़ाऊं। वो भगवान के मंदिर जब भी जाता, भगवान के कान में कहता, प्रभु अब 11 साल बचे हैं, 1 साल और बीत गया, प्रभु 10 साल बचे हैं, 1 साल और बीत गया, भगवान 9 साल बचे हैं, और वह ऐसे ही हर साल कहता। चाहे आंधी हो तूफान हो, वो प्रभु के मंदिर जाना नहीं छोड़ता और जाकर माला चढ़ाकर आता। ऐसे ही 12 साल बीत गए। आखिरी दिन कह आया, प्रभु मैं 12 साल तक आया, अब आप कल मेरी कुटिया में आएंगे, और ऐसे कह के वो वहां से चला गया। भगवान के भक्त भगवान से ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही हक जमाते हैं अपने ठाकुर जी पे। 13वें साल के पहले दिन, ऐसा नहीं था कि उसे विश्वास नहीं था, शाम को ही 56 भोग की तैयारी का सामान ले आया और अगले दिन ना केवल भगवान के लिए बल्कि उनकी गोपियों के लिए, उनकी गैयाओं के लिए भी 56 भोग बनाए और सुबह से इंतजार करने लगा। जब सुबह से दोपहर हो गई तो ये सोचा, कोई बात नहीं, क्या पता प्रभु बहुत बिजी हों, बहुत से लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए, आ जाएंगे। और दोपहर से शाम हो गई, प्रभु नहीं आए। अब वो समझ गया था कि भगवान आएंगे नहीं, इसीलिए उसने अपने 56 भोगों की पोटली बांधी, भगवान की माला की पोटली बांधी और लटकाकर कुटिया को लगाया ताला, परसाने को चला गया राधा रानी के पास। जब जाने लगा, जाता रहा, तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा कहाँ जा रहे हैं, आगे गायों का झुंड है, रुक जाइए। लेकिन बाबा कहाँ सुनने वाले, बाबा आगे चलते रहे। फिर से आवाज लगाई, रुकिए बाबा। तो बाबा ने जब पलट के देखा तो एक सांवला सलोना, मृगनैनी आंखें, घुंघराले बाल, लाठी लिए हाथ में, सिर पे पगड़ी, रुकिए बाबा, ऐसे बोला। तो बाबा ने कहा, तुम कौन? तो बोला, बाबा मैं तो हूँ एक ग्वाला, आइए बैठिए मेरे साथ थोड़ी देर, जब तक गाय यहाँ जाती नहीं है, नहीं तो वहाँ कुछ ले जाएंगे। तो बैठ गया। कहा, बाबा आपके झोले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ पकवान है क्या? तो बोले, हाँ हैं। तो बोले, किसी के लिए बनाए थे क्या? बोले, बनाए थे। तो बोला, खिला दीजिए, भूख लगी है मुझे, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो निकाला और भोग, जैसे ही कहा खा लीजिए, तो कहा, खिला दीजिए अपने हाथों से। तो कहा, हाँ हाँ, ये नंदलाल के जो एरिया है, यहाँ पे तो सबको अपनी सेवा कराने में बहुत ही आनंद आता है, और एक और खुद खाते, एक और प्रभु को खिलाते। थोड़े समय बाद प्रभु ने कहा,
वो जो माला है वो नहीं पहनाएंगे। तो बड़ा अचंभित होकर कृष्णदास ने देखा और कहा, तुम हो कौन? तो भगवान ने अपना रूप दिखाया, भगवान को प्रणाम तो किया, लेकिन कहा, नहीं, अब मैं आपको माला नहीं पहनाऊंगा, और हाँ, अब मैं जा रहा हूँ बरसाने की तरफ। अब जब मैं बरसाने की तरफ जा रहा हूँ तो आप मेरे पीछे पीछे आ गए, अगर मैं राधा रानी के पास पहुँच गया तो आप मेरे साथ ही रहेंगे। ये सोच के भागता हुआ बरसाने की तरफ जाने लगा, और राधा रानी के मंदिर में जैसे ही पहुँचा तो देखा कि वहाँ पर तो कृष्ण है, पलट कर देखा तो वहाँ राधा रानी, क्योंकि वो दोनों अलग अलग थोड़े ही हैं, वो दोनों तो एक ही हैं। समझ समझ का फेर है। उस दिन कृष्णदास समझ गए कि ये छलिए की ना बातें ही अलौकिक हैं, और भगवान को माला पहनाई, सत सत नमन किया, और भगवान पे जो वो अटूट विश्वास जो कहीं डगमगा गया था उसे बनाए रखा। मैं समझ पा रही हूँ कि भगवान पे विश्वास डगमगाने में देर नहीं लगती, क्योंकि हम ऐसे समाज में हैं जहाँ पर चीज़ें सडन चेंज होती हैं, मगर आप अगर विश्वास थोड़ा भी बनाए रखेंगे ना तो नैया डूबने से पहले संभल जाएगी। इतना तो विश्वास मुझे भी है। कहानी पसंद आए तो लाइक